डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 आपका ये स्टार्ट होगा। लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 रोमन नंबर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, एंड चैप्टर नंबर 3 में आपको नंबर सिस्टम है, हमारे टू नंबर सिस्टम होते हैं। एक आपका दिखाई दे रहा है आपको ये इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम में आपको क्या मिलेंगे, अवन नंबर सिस्टम इज आल्सो नोन एज द हिंदू अरबिक सिस्टम, जो हम यूज़ करते हैं। इसमें फर्स्ट होता है आपको 1 से लेकर 10 तक जो नंबर्स हैं उन्हीं से नंबर बनते हैं। मैंने आपको बताया उन्हीं से ही आपके नंबर्स बनते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एंड इसमें आपको दिखाई दे यहाँ 9 करोड़, लैक्स, थाउजेंड, हंड्रेड्स, वन्स, टेंस ये यूज करते हैं। आप एक बार इसको द इंडियन प्लस वैल्यू चार्ट, प्लस वैल्यू आपने सॉल्व किया होंगे, प्लस वैल्यू कैसे निकालते हैं वो इसमें भी समझाया जाएगा। एंड ये प्लस वैल्यू चार्ट है आपका, क्या है चार्ट, ये दिखाई दे रहा है, यहाँ से देखते हैं हम ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। वन से टेन में 0, 1, 0 बढ़ जाता है, क्या हो जाता है 1, 0। एंड 100 में 2, 0, 1000 में 3, 0, 10,000 में 4, 0, लाख में 5, 0, एंड 10 लाख में 6, 0, एंड करोड़ में 7, 0, 10 करोड़ में 8, 0, एंड अरब में 9, 0, 10 अरब में 10, 0। तो यहाँ तक हम सारा सिस्टम ये यूज़ करते हैं, क्या करते हैं यही यूज़ करते हैं। जैसे कि अब एग्जांपल आपको ये दिखाई दे रहा है, मैं आपको ज़्यादा टाइम ही लूँगा। राइट अ प्लस वैल्यू ऑफ डिजिट इन सर्किल इन रो, तो सर्किल में उनका डिजिट नंबर करेंगे, तो ये सर्किल 3 दिखाई दे रहा है, तो इसकी प्लस वैल्यू क्या होगी आप यहाँ से देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये हो गया 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10 लाख। तो ये होगा 30 लाख, कितना हो गया 30 लाख। तो देखते हैं 3 ये है, तो बाकी जितने डिजिट होते हैं उनकी जगह हम 0 लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 30 लाख, कह दिया ना ये। तो इस टाइप से ये आपको सॉल्व करने हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं है, आगे देखते हैं। फर्स्ट है आप इंटरनेशनल सिस्टम, क्या है ये इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंटरनेशनल सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एज द ब्रिटिश सिस्टम, तो इसको हम ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम है इंटरनेशनल सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम जो इंग्लैंड से संबंध रखता है। द मेन डिफरेंस इन द टू सिस्टम इज द दैट लेटर ऑल द डिजिट आर ग्रुप इन 3 स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट एंड ईच ग्रुप दिस 3 नंबर इज कॉल्ड पीरियड। तो इसमें क्या है, हम इसमें ये यूज करते हैं, तो ग्रुप जो बनते हैं इसमें 3 3 के बनते हैं, किसमें 3 3 के, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। और उसमें हमारे इंडियन सिस्टम में 2 से बनते हैं, जैसे कि 1000, 10,000 ओनली, जैसे कि लैख 10 लैख इसमें नहीं है, इसमें सिस्टम में 3 ग्रुप में बनते हैं, जैसे कि 1000 से स्टार्ट होगा। आप इसको देखो चार्ट को दिखाई दे रहा है, तो सिस्टम में हमने देखा ये 3 3 ग्रुप बनते हैं। वंस में क्या क्या आता है, 1, 10, 100, 1, 10, 100, क्लियर। 1000 में क्या आएगा, 1000, 10,000 एंड 100,000, क्या आएगा 1000, 10,000 एंड 100,000। ये फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, उसके बाद आता है मिलियंस। मिलियंस में क्या आएगा, 1 मिलियंस, 10 मिलियंस एंड 100 मिलियंस, समझे। ये 3 ग्रुप, फिर होता है बिलियंस,
तो बिलियंस क्या होता है, बिलियंस 10 बिलियंस एंड 100 बिलियंस। तो ये चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। ये आप इसको अपने नोटबुक में नोट करना है, रफली रफली का फेयर भी क्या करना है, रफली भी एंड फेयर भी। तो प्लीज लिसन मी एंड लुक बुक ओनली। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ ये दिखाई दे रहा है, ये ग्रुप्स हैं, ये फोर नंबर फोर ग्रुप हो गया। और आप देख रहे हैं कि इसमें हमारे इंडियन सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि अब लैक है और ये मिलियन है, तो 100 मिलियन आ रहा है। वहाँ पर 10 तक चलते हैं हम, क्या चलते हैं 10 तक। तो ये इसका मेन डिफरेंस है। जैसे कि अब एग्जांपल देखकर, राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग इंटरनल सिस्टम। तो ये क्या आया, 2304765। तो 2 मिलियन क्या आया, 2 मिलियन यहाँ से, 304,000 दिख रहा है, और 765। तो इस टाइप से ये इंटरनेशनल सिस्टम है। और कंपेरिजन करेंगे तो 1 लाख ये लिखा हुआ है, तो 100,000 ये इंडियन सिस्टम, ये वाला इंडियन सिस्टम, इंटरनल सिस्टम 10 लाख से लिखा है, तो ये 1 मिलियन होता है। ठीक है, तो इसको हम नोट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं सीधा आप इसके बाद सीधे एक्सरसाइज चलता हूँ। किस पर, एक्सरसाइज पर, ये आपकी एक्सरसाइज घरेलू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.1 घरेलू। राइट द, तो राइट द फॉलोइंग इन फिगर्स। ठीक है, तो ये है अभी हमारा इंडियन सिस्टम ही चल रहा है। ये क्या है, 66 लैक्स 52,000 800 तो इसको नंबर्स में लेना है, इन फिगर। ठीक है, क्या लेना है, फिगर में। तो 66 पहले लैक्स 52,000 800 और ये क्या है, 72 हो गया। स्टेप से आपको करना है, सॉल्व से बी और देख लो, ये आपका 32 लैक्स 68,000 68,500 72 लैक्स 32 लैक्स 68,000 एंड 572 ये हो।
ठीक है, 32 लैक्स 68,000 एंड 572। तो आपको ये नंबर्स लिख लिए, ये क्वेश्चंस नोट कर लो जो मैंने सॉल्व किए हैं, एंड एक्सरसाइज वाले भी क्वेश्चंस नोट कर लो। सी दिया जा रहा है, सी 42,28,406, 3,31,49,000 720, 55,82,211। तो ये आप इसे नोट कर लो और क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, राइट इन वर्ड्स यूजिंग इंडियन सिस्टम ऑफ राइटिंग। तो इंडियन सिस्टम में है, उसको इन वर्ड्स से नंबर्स नेम लिखना है इसका। ये है 572, एट टू जीरो। तो ये हम इस चेक करेंगे, सबसे पहले वन टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैक, 10 लैक, है ना। तो इसको हम लिखेंगे 57 लैक 1 सेकेंड, ओके। ये आपको 57,282,0, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सॉरी, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 एंड लैख। तो ये आ गया आपका 5 लैख, ठीक है, 72,000 72,000 दिखाई दे रहा है, 820 क्या है, 820, क्लियर। इस तरह से आप सॉल्व करोगे, जैसे अब इसमें बी है, क्या है बी, ये 13,74,12,358। तो वे यही बुलाया मैंने, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैक, 10 लैक। तो ये क्या है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7,74,00,000, ये कितना है, 12,000, ये कितना, 358। क्लियर। तो इस तरह से आपको सब सॉल्व करने हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इनको सॉल्व करो और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो सबसे पहले ये आप एक बार क्वेश्चन नोट कर लो, दिखाई दे रहा है, दैट वर्स यू इंडिया सिस्टम, ये टू क्वेश्चन मैंने निकाले, डी ई एफ सी, इनको
नोट कर लें, फिर रफली करें, उसके बाद उसे नोट बनाएं। तो क्वेश्चन नंबर थ्री, राइट इनवर्स यूजिंग इंटरनल सिस्टम ऑफ राइटिंग। ठीक है, तो मैं ये बताता हूँ इसको कैसे करेंगे हम इंटरनेशनल सिस्टम वाले को। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 9576894। ठीक है, तो ये होगा वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000, और ये 100,000 ये इंटरनल सिस्टम में आते हैं थ्री ग्रुप में, और ये क्या होगा मिलियन, क्या होगा मिलियन। तो हम क्या लिखेंगे, 9,576,000 के बाद 894, 894 क्लियर। स्टेप से आपको सॉल्व करना है, जैसे कि मैं डी ले लेता हूँ, मैं डी दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 100,000, ठीक है, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, ये क्या है बिलियन। तो क्या लगाएंगे हम, 5 बिलियन क्या है 108 मिलियन, यानी क्या है देखो 372 इंटरनल सिस्टम में दिखाई दे रहा है इस तरह से। तो सारे क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन नंबर थ्री के दिखाई दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री ये आपको सेल्फ सॉल्व करनी है। ओके, सेल्फ सॉल्व कर फटाफट फास्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, तो राइट इन फिगर्स, ये फिगर बनाने हैं, इन नंबर्स लिखने हैं इनके। तो 6,214,844, तो हम कैसे लिखेंगे देखो, ये मैंने इस पे नोट किया है 6 मिलियंस, सिक्स ठीक है, 214,000
14,000, ठीक है, ये क्या है 844, तो 844 ये आपका नंबर्स हो गया, हो गया। तो इस टाइप से आपको सारे नंबर्स लिखने हैं। नेक्स्ट नंबर है देखो, ये बी देखो, बी में क्या है आपका 80 मिलियंस, 1013, क्या है 80 मिलियंस, 1013। तो देखो तो 80 मिलियंस, हाँ तो क्या 81,000, ये आपका ये आ गया। तो इस टाइप से आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये है ये वाले क्वेश्चन, बताइए दे रहा सी 5,975,107, 2 बिलियन 4, मतलब थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनल सिस्टम है, क्या है ये इंटरनल सिस्टम, समझे, ये ध्यान रखना ना, इनको चेंज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स एंड मार्क, आपको ये सिंबल्स लगाने हैं, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कौन सा स्मॉल या ग्रेटर है। तो सबसे पहले आप लोग इसको क्वेश्चन नंबर 5 कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स एंड मार्क इन द बॉक्सेस प्रोवाइडेड। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 542 625 ब्रैकेट 497 68। फर्स्ट हम क्या करते हैं कि पहले जो 2 वो दे रखे हैं नंबर्स ना, तो इनको ये देखते हैं कि इनमें कितने कितने डिजिट हैं, हाँ तो 1 2 3 4 5, इसमें कितने डिजिट हैं 5, इसमें कितने 1 2 3 4 5। अब दोनों में इक्वल डिजिट हैं, तो इक्वल डिजिट हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इससे हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं लेफ्ट के सबसे पहले लेफ्ट पे क्या है, लेफ्ट पे क्या है ये 5, ये क्या है 4। आपको मालूम है कि 5 और 4 में कौन सा ग्रेटर होता है, 5 होता है, होता है। तो हम उसका इस तरह से सिंबल लगा देंगे, बहुत सिंपल तरीका है ये, इसको हम सिंबल लगा देंगे। और जहाँ ग्रेटर होता है उधर उसका मुंह इस सिंबल खुला होता है, जहाँ स्मॉल होता है वहाँ पर इसका मुंह बंद होता है, क्लियर। जैसे कि अब एक क्वेश्चन में लिखता हूँ अलग से, इसलिए एग्जांपल ले लेता हूँ अलग से, बी नहीं है ये 2896, ठीक है 35462। तो डिजिट वाला मैंने भी बताया था कि अगर इक्वल है तो फिर इस तरह से देखते हैं, इक्वल नहीं है तो इसे देखते हैं। जैसे कि अब ये कितने हैं 1 2 3 4 डिजिट, ये कितना है 1 2 3 4 5 डिजिट। तो 5 वाला ज़्यादा बड़ा होता है, ये आपको मालूम है, 4 वाला कम होगा, तो जो बड़ा हुआ वो तो 5 वाला हुआ। ये एक एग्जाम्पल दिया है, बहुत सिंपल तरीके, और इस टाइप से आ जाए तो, और वैसे तो आप इस तरह से करोगे ही, जैसे मैंने बताया ये वाला, जैसे कि अब भी
ये तो मैंने वैसे लिया, बी देखना कितना है, 7234 70 6975 224। सबसे पहले हम क्या क्या देखेंगे, डिजिट गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब दोनों डिजिट इक्वल है तो हम देखेंगे लेफ्ट वाले को, 7 6। अब 6 बड़ा होता है 7, ये आपको सिंपल है, छोटा तो 7 बड़ा होता है तो इसकी तरफ उसका मुंह खोल देंगे। क्लियर? तो इस टाइप से आप क्या करना है, ये सारे क्वेश्चंस आप चेक कर लें एक बार और, तो ये वाले आपको मालूम पड़ जाएगा। ये आप उस सारे क्वेश्चंस आपको रफ पे सॉल्व करने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मैं आपको बता दूं असेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं। असेंडिंग होते हैं, आपको ऊपर जाना होता है, स्मॉल से अप, डाउन से अप, ऊपर, इस तरीके से। ये असेंडिंग ऑर्डर होते हैं, स्टेप बाय स्टेप ऊपर हम बढ़ते हैं, समझे? स्मॉल से स्टार्ट करते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ओके, तो इसमें है क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो 3 8 7 6 9 1 4 5 7 8 7 6 9 1 4 5। तो ये आप देखते हैं, तो पहले आप उसको नोट्स करते हैं, पहले क्या करते हैं नोट। तो ये है आपका ए, 3 8 7 6 9 1 4 5, ये क्या है 5, ये 7, सेवन एट सेवन सिक्स नाइन वन फोर फाइव, ठीक है, देखिए 5 8 7 6 9 1 4 5, देखिए 4 8 7 6 9 1 4 5, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे लिखेंगे, तो असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करना है, सबसे पहले कंपेयर करते हैं डिजिट्स, गिनते हैं डिजिट्स आपके पूरे हैं तो बढ़ा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट है इसमें, ऐसे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी हैं, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, तो इसमें हम नहीं बता सकते कौन सा बड़ा है कौन सा स्मॉल है, तो हम कंपेयर करेंगे इसमें, देखना आप ये क्या दे रहा है, तो सबसे स्मॉल कौन सा, ये वाला 3 है ना, तो 6 9 1 4 5, ठीक है। इसके बाद ऐसे उन्होंने बताया जाता हूँ, इसके बाद आएगा 4, क्या आएगा 4 4 8 7 6 9 1 4 5, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका 5 5 8 7 6 9 1 4 5, इसके बाद आ जाएगा 7 8 7 6 9 1 4 5, क्यों, ये 3 सबसे स्मॉल, उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 7, क्लियर? तो इस तरीके से आप करोगे सारे क्वेश्चंस, एंड ये क्वेश्चन आप नोट कर लो, दिखाई दे रहा, जब ये इक्वल हो जाए,
ये वाले इक्वल आ जाएं, सेवन 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 कर रहा है तो हम यहाँ करेंगे एट 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 एट, ये भी इक्वल, तो फिर हम फाइव फोर सेवन एट इसके अनुसार, ठीक है। तो इसको क्वेश्चनों को नोट कर लो, ये दिखाई दे रहे हैं आपको, लो देखो ये क्वेश्चन इसमें नोट कर लो, और ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं रफली, एंड फिर उसको रिटर्न करना है फेयर पे नोटबुक पर, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और इस चैप्टर एंड एक्सरसाइज के साथ ही यहाँ ये वीडियो क्लोज होता है, बंद होता है, और नेक्स्ट वीडियो को मैं मेरा एंटर करना, ठीक है। तो फिनिश, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके।